अरे ये घेर क्यों ले जा रहे हैं मुझे अपने कंधों पर, ये घेर क्यों ले जा रहे हैं मुझे अपने कंधों पर। अच्छा हाँ, मेरे अपने तो कब्र खोदने में लगे हैं यार। मैंने जब भी पहना ब्रांड ही पहना है, असी भी। लेकिन ये शर्ट तो मैंने लंडे में देखी थी। ओह नो, तो तू थे की कर रहा है? अच्छा चलता हूँ, मतलब पढ़े तो याद कर लेना। बंदे लोग क्या करते हैं? कार बकते हैं। कैसे बकते हैं बताना जरा। मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? मैं गंदा हो जाऊंगा। से गाली बन बकने से गंदे हो जाते हैं। काश मैं चांद रात को मर जाऊं, काश मैं चांद रात को मर जाऊं, और तू ईद की सुबह मेरे गले लगने को तरसे। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है, मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग की समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। मैं ना चुपके से टूटा था, अगर गिरता तो शोर हो जाता। अस्सलामुअलैकुम उस्मान भाई, ईद मुबारक। ये क्या ईद वाले दिन पुराने कपड़े पहने हुए हैं? वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। हाँ यार, पहले मैं भी नए कपड़े पहना करता। हाँ तो फिर क्या हुआ? अब शादी हो गई है। मैं दूसरों के ताने अक्सर मुस्कुरा के सुन लेता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता, बस शांत रहता हूँ, क्योंकि शोर मेरी कामयाबी मचाएगी। कहाँ चल रहे? बस तुम जहाँ कहो, पूरी जिंदगी बस साथ ही चलना है ना। हमको दी कुछ खाने को दो ना यार, बहुत भूख लगी है। बिस्किट खाएगा? हैं, बिस्किट तो कुत्ते खाते हैं। बिस्किट तो कुत्ते खाते हैं। शर्ट पहने खाई के बीड़ा पान, पूरे रायपुर से अलग है सयाजी की शान। तू था खास मेरे लिए, खास आज भी है, मेरे फोन में तेरा नंबर जिंदगी के नाम से सेव आज भी है। कैसा लगा मेरा मजाक? भाई ये क्या कर रहे हो? माँ कहती है टाइम के साथ खाना खाया कर। रो पड़ा वो फकीर भी मेरे हाथ की लकीरों को देखकर, और कहता है कि तुझे मौत नहीं किसी की याद मारेगी। हेलो उस्मान साहब, आपसे एक मशवरा चाहिए। जी बोलो। लॉकडाउन तो ईद के बाद खुलना था लेकिन पहले खुल गया, अभी भी कोई शॉपिंग करवानी पड़ेगी, इससे बचने का कोई तरीका बताओ। अच्छा तो आज रोजा कितना है? 20वां। तो फिर इतकाफ में बैठ जाओ। जे छोड़ कर जो तुम जाओगे, फिर से आओगे ना तो भाई चप्पल से मार खाओगे, पहली फुर्सत में निकल। और मुझ पे तोहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की, मुझ पे तोहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की, रास्ता बाजार जाने का तेरा भी बताया जाए तो अच्छा रहे। तेरा ये हाल किसने किया? खुल के बोल, इन्ना का सही है। तू था खास मेरे लिए, खास आज भी है, मेरे फोन में तेरा नंबर जिंदगी के नाम से सेव आज भी है। ये कैसा सितम था उनका, कुछ पलों की मोहब्बत के लिए मुझे सालों आजमाया गया, उन्होंने पहले मेरी फांसी मुकर्रर कर दी, अदालत मुझे बाद में ले जाया गया। ये जो तू नई नई लड़कियों के साथ फोटो खिंचवा रहा है, ये मुझे जला रहा है या अपनी औकात दिखा रहा है? जे किसी ने अफतारी ते नाना बुलाया ते शबरात वाले दिन मेनू माफी वाला मैसेज भी ना भेजे।
मां आज तो बाद में शेखा की दावत ते नहीं जाना मां। मां उन्होंने सालन दे विच इन्ना शोरा पाता सी के दो आलूआं ते चढ़ के एक बोटी चुकनी पैंदी सी।